नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आज के पॉडकास्ट में आपको एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही भयानक कहानी सुनाने वाला हूं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों, यूं तो भूत प्रेत की कहानियां सुनने में खूब मजा आता है और मजा तब दोगुना हो जाता है जब हम किसी वैम्पायर यानी कि पिशाच की कहानी सुनते हैं। पिशाच के बारे में कहा जाता है कि पिशाच न तो एक इंसान होता है और न ही जानवर, ये एक ऐसा जीव होता है जो खून पीकर जिंदा रहता है। यह कहानी अमेरिका के मर्सी ब्राउन ग्रेव नामक शहर की है। इस शहर के बारे में बताया जाता है कि इस प्योर शहर में सिर्फ कब्रिस्तान ही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कब्रिस्तान जैसे सुनसान इलाके में भी रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और ये आवाजें पास के इलाके में रहने वाले लोगों को स्पष्ट रूप से सुनाई देती हैं। तो हैरानी की बात यह है कि जब इस प्योर शहर में कोई रहता ही नहीं है तो फिर देर रात ये आवाजें कैसे आती हैं, और आवाजें भी इतनी भयानक होती हैं जैसे कोई किसी इंसान का दिल उसके कलेजे से फाड़ कर निकाल रहा हो। ऐसी दर्दनाक चीखें जो आपके इमेजिनेशन को हिला कर रख दें। इस जगह का खौफ ऐसा है कि शहर में आने के रास्ते भी सरकार ने बंद किए हुए हैं ताकि कोई गलती से भी कोई इन खतरनाक मुर्दों के इलाके में न चला जाए। लेकिन आखिर इस जगह की सच्चाई क्या है? क्यों यहां रात भर ऐसी दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं? बताते हैं कि ये जगह हमेशा से ऐसी नहीं थी। बहुत साल पहले इस इलाके में भी लोग रहते थे। शहर में खूब चहल पहल रहती थी। बताते हैं कि यहां के एक गांव में हर साल एक बहुत बड़ा मेला लगा करता था जिसमें उस गांव के साथ साथ पूरे शहर से लोग घूमने आते थे। इस मेले की खास बात यह थी कि ये दिन ढलने के बाद लगता था, तो ऐसे कि एक बार 1970 के आखिरी महीने में जब इस मेले का आखिरी दिन था तभी रात में अचानक आसपास के पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। सब लोग चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। वहीं पास में ही उस इलाके के एक बड़े पृष्ठ का घर भी था, तो शोर शराबा सुनकर वो भी अपने कुछ लोगों के साथ बाहर आए, लेकिन उनको भी समझ नहीं आया कि यहां क्या हो रहा है। भगदड़ इतनी मच गई थी कि वो भी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। जैसे तैसे वो रात बीती और अगली सुबह हुई। किसी को नहीं पता था कि रात में असल में हुआ क्या था, क्यों अचानक से वहां भगदड़ मच गई थी। लोग इकट्ठा होकर फिर से उस मैदान में पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उन सब के होश उड़ गए। लोगों ने देखा कि मैदान के अंदर एक कटार में बहुत सारी लाशें पड़ी थीं, जिनमें से एक लाश वहां रहने वाले उस पृष्ठ की भी थी। लाशों का वो नजारा देखकर सबका दिल दहल गया। लेकिन फिर लोगों ने एक बहुत अजीब चीज नोटिस की, वो ये कि उन सभी लाशों में खून का एक कतरा भी मौजूद नहीं था, जैसे कि उन सब लाशों से उनका खून चूस लिया गया हो। और हर एक लाश में दो छेद बने थे, किसी की गर्दन पे तो किसी की पीठ पे, जैसे कि किसी ने अपने दांत उनके शरीर में गाड़े हों। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहां क्या हुआ है। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम की जांच में भी यही बात सामने आई कि सभी लाशों का खून उन दो छेदों में से चूस लिया गया था जो उनके शरीर पर बने थे। किसी भी शरीर में और कोई चोट का निशान तक नहीं था। लोगों का कहना था कि इस पूरी घटना के पीछे जरूर किसी शैतान का हाथ है, क्योंकि हर साल वो मेला किसी दूसरे मैदान में लगता था, लेकिन इस बार वो मैदान खाली न होने के कारण मेला वहां के इकलौते कब्रिस्तान के बगल में लगाया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। धीरे धीरे लोग भी इस घटना के बारे में भूल गए। 2 महीने बीत चुके थे। इलाके में पहले जैसी आवाजें शुरू हो गई थीं। फिर एक शाम उसी मैदान में कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे थे, तभी उनकी बास्केटबॉल ग्राउंड से निकलकर उस कब्रिस्तान की तरफ चली गई, तो उनमें से एक लड़का बॉल लेने के लिए उस कब्रिस्तान में पहुंच गया। कब्रिस्तान में गया तो उसने देखा कि उनकी बॉल एक खुली कब्र में फंस गई थी। वो देख के पहले तो उसे बहुत हैरानी हुई कि कोई कब्र खुली कैसे हो सकती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान न देते हुए सीधा अपने बॉल उठाने के लिए उस कब्र के पास पहुंच गया। लेकिन कब्र के पास पहुंचते हुए उसने कब्र के अंदर से किसी के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देने लगी। ये सुन के वो लड़का बहुत डर गया। वो जल्दी से बॉल उठाने के लिए नीचे झुका, लेकिन उसके झुकते ही किसी ने कब्र के अंदर से उसका हाथ पकड़ लिया। लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुन के उसके दोस्त वहां पहुंचे तो देखा
कि वो वहां से गायब था। उन्होंने उसको आसपास देखा लेकिन वो कहीं नहीं था। वो सब बहुत डर गए और वहां से वापस जाने लगे और तभी कब्रिस्तान के एक कोने से उनको आवाज आई, अपने दोस्त को साथ लेके नहीं जाओगे? उन्होंने झट से उस तरफ देखा तो देखा कि उनका वही दोस्त वहां खड़ा था जो बॉल लेने आया था। उन सबको लगा कि शायद वो लड़का उनसे मजाक कर रहा है, लेकिन तभी उन सबके देखते ही देखते वो लड़का एक काली परछाई में बदलने लगा। ये देखते ही वो सब वहां से भागने लगे। वो उनका दोस्त नहीं था, वो अब कुछ और ही बन चुका था। तभी भागते हुए लड़कों में से उसने एक लड़के को पकड़ लिया और उसके ऊपर झपट के उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और उसका खून पीने लगा। सब लड़कों ने वो सब अपनी आंखों से होता देखा था। किसी तरह बाकी के सब लोग वहां से अपनी जान बचा के भागे। अगले दिन तक ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी कि उस कब्रिस्तान में पिशाच का वास है। पूरे इलाके में डर का माहौल हो गया था, लेकिन बहुत से लोग इन सब बातों को अफवाह भी बताते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे पूरे शहर में ही वैम्पायर अटैक के मामले सामने आने लगे। सिर्फ कब्रिस्तान या उस मैदान में ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में ही जगह जगह लोगों की लाशें पाई जाने लगी और हर एक लाश में एक चीज समान होती थी कि उन सभी की बॉडी से सारा खून चूसा गया होता था। धीरे धीरे उस शैतान का खौफ इतना बढ़ गया कि लोगों ने रात में घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। लोग बताते थे ये शहर में कोई एक दो नहीं, बल्कि इन शैतानों का पूरा एक ग्रुप है जो लोगों का खून पीकर उनका शिकार करता है। फिर वहां पे एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर और एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की टीम को बुलाया गया। उन लोगों ने बताया कि ये पिशाच उसी कब्रिस्तान से ही निकले हैं। ये एक तरह के कौम पिशाच थे जो सिर्फ रात में ही बाहर निकलते थे, लेकिन इस मामले की ओर ज्यादा तह में जाने पर उन्हें पता चला कि ये शैतान असल में खुद से नहीं बने बल्कि इन्हें बनाया गया है। पता चला कि एक काला जादू करने वाले साइंटिस्ट ने उस कब्रिस्तान में लाशों को अपने काबू में करने के लिए उन्हें अपनी ताकत से जिंदा किया था और वही उन सब शैतानों को अपने इशारे पर नचा रहा था। लेकिन उस आदमी ने इन मुर्दों को जिंदा तो कर दिया, लेकिन वो खुद इनको संभाल नहीं सका और मारा गया। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और उस एस्ट्रोलॉजर ने मिलके ये पता लगाया कि उस आदमी के पास एक खास तरह की चंदन की लकड़ी थी जिससे वो इन शैतानों को काबू करता था, और वो लकड़ी अभी भी उसी कब्रिस्तान में ही दफन थी। तो वहां के चर्च के प्रीस्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने मिलके उन शैतानों को काबू में करने का एक प्लान बनाया। उन्होंने प्लान बनाया कि रात में उनमें से एक आदमी उस कब्रिस्तान में जाएगा जिससे कि वो शैतान उसका शिकार करने के लिए अपनी कब्रों से बाहर निकल जाएं और उनको पता चल सके कि वहां असल में कितने शैतान मौजूद हैं। उन्होंने वैसा ही किया। अंधेरा होने के बाद बहुत सारे लोग चुपके उस कब्रिस्तान के बाहर खड़े हुए और उनमें से एक आदमी कब्रिस्तान के अंदर चला गया, और जैसे उन्होंने सोचा था, उसके अंदर जाते ही बहुत सारे मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर निकल के आने लगे और अपने प्लान के मुताबिक उन शैतानों के बाहर निकलते ही उन लोगों ने कब्रिस्तान के चारों तरफ लकड़ियों के बड़े बड़े बत्तों में आग लगा दी। वो शैतान आग से डर के अपनी कब्रों के अंदर भागने लगे। सबको लगा था कि अब इन शैतानों को हमेशा के लिए खत्म करा जा सकेगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक से वहां तेज बारिश आने लगी, उनकी लगाई आग बुझने लगी। आग बुझते ही शैतान उन लोगों के ऊपर झपट पड़े। उनमें से कुछ तो अपनी जान बचा के भागने में सफल हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग उन शैतानों का शिकार बन गए। अगली सुबह वो लोग वापस आए तो देखा कि उन सब की लाशें उसी कब्रिस्तान में पड़ी थीं। सबके शरीर से खून चूसा जा चुका था। ये बात आसपास के सब शहरों में फैल गई। वो पूरा शहर वैम्पायर्स के खौफ से बदनाम होने लगा। शहर के लोग भी डर के मारे शहर छोड़ के दूसरी जगहों पर जाने लगे और देखते ही देखते पूरा शहर वीरान हो गया। लेकिन उन शैतानों का खतरा अभी भी बना हुआ था, इसलिए कुछ समय बाद वहां के एक बहुत बड़े प्रीस्ट ने उस पूरे इलाके को चारों तरफ से बांध दिया जिससे कि वो शैतान उस इलाके से बाहर ना निकल सके। उस इलाके को उन्होंने बांध तो दिया, लेकिन आज भी वो इलाका बिल्कुल वीरान है। लोग उसके आसपास जाने से भी डरते हैं। लोग बताते हैं आज इतने सालों बाद भी रात के समय उस इलाके से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो आवाजें किसकी हैं ये देखने जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता।
दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूं, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।